कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद में अधिकारियों की लापरवाही आम जनता के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। अधिकारी और शासन प्रशासन दिन रात स्वच्छता और साफ सफाई के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के कुछ इलाकों में वह सब दावे फेल नजर आते दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं झांसा रोड स्थित ओवरफ्लो गंदे नाले का पानी रिहायशी क्षेत्र में घुस गया है। सरस्वती कॉलोनी में प्लॉटों में जमा शहरी गंदा पानी बीमारियों का कारण बन रहा। स्थानीय लोग भी प्रशासन के ऐसे कार्यों से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद अधिकारियों को आम लोगों द्वारा इस समस्या से कई बार निजी तौर पर अवगत भी करवाया जा चुका है, बावजूद इसके स्थिति जस की तस है। जब इस बारे अधिकारियों से बात करने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। नगर परिषद जाने पर जवाब मिला कि रविवार की छुट्टी है। क्या नाम है जी आपका? अमीर जान। क्या समस्या आ रही है आपको? ये पानी कहाँ से आ रहा है? शहर से। पानी कॉलोनी में घुस चुका है? बहुत तंगी हुई कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार है जी, झांसा रोड सरस्वती कॉलोनी से हूँ जी मैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? हमारी समस्या ये है जी, ये कॉलोनी में ना गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो होके आता है जी। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं जी, कोई इसकी तरफ देख रेख नहीं कर रहा जी। ठीक है जी, हमारे बच्चे भी बीमार होने का खतरा जी, और जिस टाइम हवा वगैरह चलती है ना बहुत बुरी स्मेल आती है जी। यहाँ रहना बहुत मुहाल हो चुका जी हमारा। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी शहर से आता है जी, गंदे नाले का पानी है जी, और आगे से सड़क का काम बन रहा है पुल का, वहीं कहीं से अड़चन आ रही जी, तो यहाँ से बैक होके आता है जी पानी। आप देख सकते हो यहाँ से ओवरफ्लो होके आता है जी। समस्या कहाँ कहाँ भेजी आपने? ये समस्या थे सर, हमने हमारे जो पड़ोस के पंच सरपंच इनको बताया जी, हमने अभी तक कोई जानकारी नहीं आई हमारे पास जी। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हम लोग परेशान हो चुके हैं जी, बिल्कुल इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा जी प्रशासन। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।